चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हरसाही चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आईपीयू के रजिस्ट्रेशन 7 दिसंबर 21 से स्टार्ट होंगे। इसका नोटिफिकेशन 6 दिसंबर 21 को आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट दिल्ली स्टेट से जिन्होंने 11th और 12th क्लास पास कर रखी है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करने के लिए इलिजिबल हैं। इसके साथ ही इसमें काउंसलिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन होगा। मैं आपको इसके लिए फीस बता देता हूं। जब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 1200 रुपीज इसके रजिस्ट्रेशन के लगेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है, क्योंकि इसके फॉर्म पहले भी ओपन हो चुके थे, तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको रजिस्ट्रेशन करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होगी, जिसकी फीस 1000 रुपीज होगी। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये 7 दिसंबर 21 से स्टार्ट होंगे। 6 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे, वो हैं MBBS के लिए, BMS के लिए, BHMS के लिए, BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए। तो ये इस प्रकार से आप इन कोर्सेज के लिए आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, वो काउंसलिंग फीस डिपॉजिट करके काउंसलिंग के लिए उनको रजिस्ट्रेशन करना है। इसके साथ ही जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड ऑनलाइन ही करने हैं, और उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। यानी कि आईपीयू द्वारा जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। तो इस प्रकार से अभी इसमें समय है, जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कैसे आपने फॉर्म अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म को फिल करना है, ये भी हम आपको जैसे ही ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे हम आपको बता देंगे। मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि यहाँ पर 3 मेडिकल कॉलेज के लिए ये रजिस्ट्रेशन होते हैं। जिन कैंडिडेट ने दिल्ली से 11, 12 कर रखा है या फिर जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो 3 कॉलेज हैं वो BSc है, बाबा साहिब है, इसके बाद में NDMC है, और जो 3rd कॉलेज है वो ACMS है, जिसमें आर्मी डिफेंस के बच्चे एलिजिबल होते हैं। तो ACMS के लिए भी इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आगे जब भी नोटिफिकेशन आएगा इसका 6 दिसंबर को, तब आपको इसमें ब्रीफ से बता दिया जाएगा कि आपको किस किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करना है और आगे क्या काउंसलिंग के लिए फीस डिपॉजिट करके कैसे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। दिल्ली स्टेट कैंडिडेट के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कॉलेजें आती हैं, जैसे कि इसमें मौलाना आजाद हो गया, लेडी हार्डिंग हो गया, इसके बाद UCMS, VMMC और RML, उनकी DU इंटरनल के अंडर उसकी काउंसलिंग होती है, और IPU स्टेट कोटा के लिए ये 3 कॉलेजों की काउंसलिंग IPU करवाता है। तो ये एक अपडेट था। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।